अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है वर्ल्ड कप 2019 बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गया है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पाकिस्तान के वो 11 खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा जो वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आप लोगों को वर्ल्ड कप 2019 के कंफर्म 11 खिलाड़ियों का पता चल जाए। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को लगता है कि ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को कामयाबियां दिला सकते हैं या नहीं। आप लोगों का कमेंट बहुत ज्यादा कीमती होता है और हम उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इस चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और उनका जितना मैं शुक्रिया अदा करूं वो बहुत ही ज्यादा कम है। बहुत बहुत मेहरबानी यार, आप लोगों की बहुत ही ज्यादा सपोर्ट है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं प्लेइंग एक्सरसाइज की जानिब। आप लोगों को कंफर्म प्लेइंग एक्सरसाइज बता देता हूं। अगर पहले नंबर की बात की जाए तो पहले नंबर पे होंगे फखर जमान। फखर जमान बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, अगर चल जाए तो मैच का तो पासा ही पलट देते हैं। इनके साथ दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज होंगे अहमद शहजाद, क्योंकि क्वेटा ग्लेडिएटर में इसने अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, इसलिए ये वर्ल्ड कप में फखर जमान के साथ ओपनिंग करेंगे। तीसरे नंबर पे होंगे बाबर आजम। इस नाम से तो हर कोई वाकिफ है, इसको रन्स बनाने की मशीन भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, और वर्ल्ड कप की कहा जा रहा है बाबर आजम को। अगर बात की जाए चौथे नंबर की तो चौथे नंबर पे होंगे प्रोफेसर मोहम्मद हफीज। बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं और ये वर्ल्ड कप में चौथे नंबर पे खेलने आएंगे। पांचवें नंबर की बात की जाए तो पांचवें नंबर पे होंगे उमर अकमल। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर बहुत ही अच्छा है। उमर अकमल की शमूलियत से पाकिस्तानी टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। अगर बात की जाए वर्ल्ड कप 2019 के लिए पाकिस्तानी टीम के कैप्टन और विकेट कीपर की, तो वो संभालेंगे सरफराज अहमद। सरफराज अहमद की विकेट कीपरी और बैटिंग बहुत ही अच्छी है और कमाल के विकेट कीपर हैं। अगर बात की जाए सातवें नंबर की तो सातवें नंबर पे होंगे बैग हिटर आसिफ अली। बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं और पाकिस्तान के लिए फिनिशर कहा जाता है इसको। अगर ये कुछ ही ओवर टिक जाए तो स्कोरों के अंबार लगा देते हैं और बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं। इसके अलावा दो जो है ना, इन्होंने स्पिनर रखे हैं जो कि एक भी रख सकते हैं इनमें से। एक इमाद वसीम है, बहुत ही अच्छी बैटिंग और बॉलिंग करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो रखा जाएगा, इन दो में से चॉइस है अगर रख सकते हैं, शताब खान। बहुत ही अच्छे बॉलर हैं और इंग्लैंड की कंडीशन के मुताबिक इन दोनों को भी रखा जा सकता है, या शताब खान और इमाद वसीम में से एक को भी खिलाया जा सकता है। तो दोस्तों अगर फास्ट बॉलर की बात करें तो तीन बेहतरीन फास्ट बॉलर रखे जाएंगे वर्ल्ड कप में। एक जुनैद खान को रखा जाएगा। जुनैद खान इंग्लैंड की कंडीशन में बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर चुके हैं, इसलिए वर्ल्ड कप में इनको रखना बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगर दूसरे की बात की जाए तो वो है हसन अली। हसन अली तो हर कंडीशन में बेहतरीन है, जहां भी इनसे बॉलिंग कराई जाए वहां ये बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। इसके अलावा अगर आखिरी बॉलर की बात की जाए तो फास्ट बॉलर रखा जाएगा मोहम्मद हसनैन अली को, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत तेज है, 150 प्लस से ये बॉलिंग करते हैं, इसलिए इंग्लैंड की तेज पिचेस में इनकी बॉल बहुत ही ज्यादा स्विंग करेगी और बाकी बैट्समैनों के लिए ये खतरा साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी प्लेइंग एक्सरसाइज जो वर्ल्ड कप में खेल सकती है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें किस खिलाड़ी की कमी महसूस होती है। शर्जील खान और कमरान अकमल की कमी तो बेशक महसूस होती है। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।